इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है रेप केस में। पलाश चंदेल की गिरफ्तारी हुई है। पलाश को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। थाने से बॉन्ड पत्र भरवा कर छोड़ा गया है। आदिवासी शिक्षिका ने रेप की शिकायत की थी, उसका केस दर्ज कराया था। 19 जनवरी को थाने में FIR दर्ज की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है रेप केस में। पलाश चंदेल की गिरफ्तारी हुई है। पलाश को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। थाने से बॉन्ड पत्र भरवाकर छोड़ा गया है। राजकुमार हमारे स्विगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, ये मामला 19 जनवरी को सामने आया था जब रायपुर की महिला थाने में FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद से पलाश चंदेल फरार था और यहाँ पर जांजगीर में लोअर कोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था, जिसे लोअर कोर्ट ने खारिज किया था। इसके बाद से अपने वकील के माध्यम से पलाश चंदेल हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आज ये प्रक्रिया हुई है, जिसके बाद से सिटी कोतवाली थाने में गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद 25,000 का बॉन्ड भरवा करके पलाश चंदेल को छोड़ा गया है। और फिलहाल एक तरह से ये जो मामला है वो काफी लंबे समय से सुर्खियों में बना रहा है, क्योंकि पलाश चंदेल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे हैं, तो ये काफी एक बड़ा मामला था और काफी सुर्खियों में था। तो फिलहाल आज पुलिस ने गिरफ्तारी की है और हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत जो स्वीकृति थी उसके बाद से पलाश चंदेल को रिहा किया गया है। जी चलिए राजकुमार, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।